बात अब छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बैलेट से वोटिंग कराने का एक फॉर्मूला फेल होता दिखाई दे रहा है। दरअसल राजनांदगांव सीट पर 23 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। पूर्व सीएम की अपील पर 244 लोगों ने फॉर्म लिए थे। बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए भूपेश बघेल ने एक फॉर्मूला दिया था और ये कहा था कि 384 प्रत्याशियों के नामांकन होंगे तो बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं। कलेक्ट्रेट में फॉर्म खरीदने वालों की इस दौरान भीड़ भी दिखाई दी। गुरुवार को दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि खुद राजनांदगांव सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बीजेपी के संतोष पांडे से उनका मुकाबला है, लेकिन राजनांदगांव सीट पर 23 प्रत्याशियों ने ही नामांकन दाखिल किया, यानी कि उनका बैलेट पेपर से चुनाव कराने का जो फॉर्मूला था वो फेल होता दिखाई दे रहा है। चलिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ इस वक्त गौरव शुक्ला रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ में एक बड़ी बात कही गई थी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मंशा और उससे लेकर एक फॉर्मूला भी उन्होंने सार्वजनिक मंच से दिया था, लेकिन जिस तरह से राजनांदगांव सीट में केवल 23 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए, इसका अर्थ तो यह है कि वो फॉर्मूला पूरी तरह से फेल हो चुका है अब और चुनाव ईवीएम से ही होंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए एक सभा में अपने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि वो बड़ी संख्या में जो फॉर्म है वो भरे, प्रत्याशी बने और बैलेट पेपर से चुनाव लड़ाएं। 375 से अधिक यदि मतदान प्रत्याशी होते हैं तो बैलेट पेपर से मतदान होता है, तो उसे लेकर उन्होंने अपील की थी और जिसका असर भी देखने को मिला था। 3 अप्रैल को जो है राजनांदगांव में 200 से अधिक जो फॉर्म है वो बिके थे और कुल 244 फॉर्म बिके थे और आखिरी में जब कल पूरा जब नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई तो केवल 23 लोगों ने ही अपना नामांकन दाखिल किया, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की अपील जो थी लोगों से, उनके कार्यकर्ताओं से, वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आई। जिस तरीके से 3 तारीख को फॉर्म बिके थे तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो अपील भूपेश बघेल ने की थी उनके कार्यकर्ताओं से की थी, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता उनके अपील से प्रेरित हुए थे और उन्होंने एक साथ फॉर्म भी खरीदा था। कल जब ये पूरा हुआ नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई तो केवल 23 लोगों ने ही इस पर अपने प्रत्याशी होने के लिए जो नामांकन फॉर्म है वो जमा किए, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये पूरी तरीके से फेल अपील रहा भूपेश बघेल को, उनके कार्यकर्ताओं ने ही नहीं सुनी। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए गौरव। इस तरह से यानी कि जो बैलेट पेपर